नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत JMH। आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरें एक साथ जानते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अलग अलग राज्यों से हमारे पास खबरें आ रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन लोगों ने कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं पंजाब राज्य से। पंजाब के खन्ना के नज़दीक गाँव कोटला बड़ी के आंगनबाड़ी सेंटर में बच्चों को एक्सपायरी डेट का सामान बांट दिया गया, जिस पर जो है हंगामे की खबर आई है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ग्रामीणों ने रोष जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। आंगनबाड़ी सेंटर में बच्चों गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले खाने पीने का सामान एक्सपायरी हो चुका था, जो सामान सरकार की तरफ से भेजा गया था, खाने लायक भी नहीं बचा था। चलिए बात करते हैं यूपी के सुल्तानपुर से बड़ी खबर है। यहाँ पर भवन की समस्या से कई आंगनबाड़ी केंद्र जूझ रहे हैं, ऐसे में एक अच्छी खबर निकल कर आई। बाल विकास विभाग के 106 आंगनबाड़ी केंद्र अपने भवन में संचालित हो सकेंगे। हालांकि इसके बाद विभाग की समस्या बनी रहेगी, क्योंकि 106 केंद्रों के संचालन के बाद भी आंगनबाड़ी के विभाग के पास जो है सभी केंद्रों का अपना भवन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्र सुल्तानपुर में किराए के भवनों या फिर जो है अस्थायी रूप से चल रहे हैं। सुल्तानपुर से बड़ी खबर है, फिलहाल 106 आंगनबाड़ी केंद्र को बनाया जाएगा और यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर। यहाँ पर आपको बता दें, सुल्तानपुर में 2511 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। 106 केंद्रों को स्वीकृति मिलने के बाद ग्राम पंचायतों की ओर से जो है सभी मनरेगा जैसे कि राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग की तरफ से राशि से जो है पंचायतों में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कई केंद्रों का निर्माण कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा, यानी मार्च तक, और बाकी जो है शेष आंगनबाड़ी केंद्र फिनिशिंग का काम चल रहा है। मार्च तक नए केंद्रों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी विभाग के पास अभी सेंटरों के जो है अपने भवन नहीं हो सकेंगे। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक जो है 106 केंद्रों का कार्य पूरा होने के बाद विभाग के पास 557 भवन अपने हो जाएंगे। इसके अलावा अन्य करीब जो है 2000 केंद्र दूसरे विभागों के जो है सहयोग से संचालित हो रहे हैं। इनमें करीब 18 केंद्र प्राथमिक विद्यालय व 2 केंद्र पंचायत भवन में चल रहे हैं। चलिए तीसरी खबर जानते हैं। ये आप देख रहे हैं अभी मतदान करें, इस तरीके से मतदान को लेकर जागरूक किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से तस्वीरों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। घर घर अलग जगाएंगे, मतदाता जागरूक बनाएंगे, ये अभियान चल रहा है, और रंगोली बनाकर जो है मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव 2023 है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दूनी में जो है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए महिला बाल विकास विभाग देवली ग्रामीण के तत्वाधान में दूनी के जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में जो इस तरीके की रंगोली बनाई गई और मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील की गई। आपको बता दें, चुनाव आयोग के जो है आदेश के बाद तरह तरह के जो है आयोजन किए जाते हैं ताकि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके और मतदान का महत्व बताया जा सके। इसी क्रम में आंगनबाड़ी केंद्र एक पर मतदाता जागरूकता रंगोली बनाई गई थी और लोकतंत्र में मतदान का महत्व समझाया गया। और मतदान की बात करी रहे तो मध्य प्रदेश में हमने अभी हाल ही में आपको बताया किस तरीके से आंगनबाड़ी कर्मी के साथ ही अति शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी बनाया गया है। कि हाँ, ये तस्वीर आप देख रहे हैं विशेष पुलिस अधिकारी की है और इसमें आंगनबाड़ी कर्मियों को जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, पुलिस फोर्स की कमी है यहाँ पर, इसी के चलते जो है इस बार अति शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई, साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, इनको पुलिसकर्मी बना दिया गया। 17 नवंबर को मतदान के दिन अति शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी का दायित्व सौंपा गया। जनपद विदिशा की अगर बात करें तो यहाँ 5 विधानसभा में 314 अति शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें, इन्होंने डाक मतपत्रों से वोट नहीं डाले, ऐसे में जो है उन्हें इस बात की फिक्र है कि अगर ये चुनाव में ड्यूटी करेंगे तो वोट कैसे डालेंगे। वहीं आपको बता दें, आंगनबाड़ी कर्मियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। चलिए बात करते हैं एक और खबर। गुजरात सरकार जो है चुनाव के मौके पर भर्तियों की बात कह रही है। 10,000 से अधिक जो है रिक्तियों की घोषणा गुजरात की सरकार ने कर दी। यूपीए फिलहाल अभी भर्तियों के बारे में कोई अपडेट नहीं आ रही, लेकिन गुजरात सरकार कह रही है कि 10,400 हम जो है आंगनबाड़ी विभाग में भर्ती करने वाले हैं। इसके लिए बाकायदा hrms.gujarat.gov.in पर साइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है कहीं ना कहीं, और भर्ती की संख्या भी गुजरात के हिसाब से जो है ये बड़ी है। आवेदन प्रक्रिया 8 नवंबर को शुरू होने की बात कही गई है, यानी कि 8 नवंबर को शुरू हो चुकी है और 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। गुजरात के लोग ही आवेदन कर सकते हैं, बाकी अन्य राज्यों के लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं, उसमें भी स्थानीय स्तर पर होना चाहिए। कहीं ना कहीं गुजरात सरकार की ओर से एक बड़ी भर्ती के तौर पर देखी जा रही है। हाल ही में राजस्थान में भी चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो है 2.5 लाख से ज़्यादा सरकारी भर्तियों की बात कही है।
लेकिन उत्तर प्रदेश में रोना पड़ा हुआ है। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर। इस तरीके से जो है अपडेट हम जान रहे हैं, ये आंगनबाड़ी केंद्र की तस्वीर है। इस तरीके से हम जान रहे हैं एक और बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को ड्रेस और बर्तनों का इंतजार हो रहा है। झुंझुनू राजस्थान में जो है बच्चों के जो है, आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को सरकार की तरफ से दो यूनिफॉर्म दी जानी थी, लेकिन महीना बीत जाने के बावजूद भी इनको यूनिफॉर्म नहीं मिल पाई। झुंझुनू राजस्थान से बड़ी खबर है। ऐसे में जो है सर्दी का समय आ गया है, दिक्कतें हो रही है। वहीं बात करते हैं बिहार चलते, बिहार के सीतामढ़ी में भी हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाओं की नौकरी खतरे में पड़ गई है। अल्टीमेटम इन्हें दिया गया है, लेकिन अल्टीमेटम देने के बाद भी जो है आपको बता दें 13 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया था। आप देख रहे हैं बिहार के सीतामढ़ी से ये लेटर जारी हुआ है, अधिकारियों द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में साफ तौर पर लिखा है कि आंगनबाड़ी कर्मी हड़ताल खत्म करके जो है वापस लौटा है, अन्यथा की स्थिति में जो है फैसला लेना पड़ेगा। बहुत सारे अलग अलग जो है जनपदों में बिहार की आंगनबाड़ी कर्मियों के ऊपर कार्रवाई भी हुई है। ऐसे में अभी तक जो है कई जनपदों से आंगनबाड़ी कर्मियों की हड़ताल खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही, धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस वजह से आंगनबाड़ी कर्मियों की हड़ताल खत्म नहीं होने का नाम ले रही है। आपको बता दें अपनी 4 से लेकर 5 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मी बिहार के अलग अलग जो है जनपदों में प्रदर्शन कर रही हैं, यहाँ तक कि पटना में भी प्रदर्शन देखने को मिला। ये भी देखिए प्रदर्शन की ही खबर निकल कर आ रही है। चलिए जानते हैं ये कहाँ की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन खबरें हैं, जिस तरीके से हमें जाना बिहार के ही अलग अलग जनपदों में प्रदर्शन हो रहा है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले बिहार के किशनगंज जनपद में भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। और यहाँ पर आपको बता दें एक शिष्टमंडल ने जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला से मुलाकात भी की है, और इसी के साथ ही विभाग द्वारा सेविकाओं को चयन मुक्त करने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। चलिए इस तरीके से जो है खबर निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें अनिश्चितकालीन जो आंगनबाड़ी कर्मी धरना प्रदर्शन में चले गए हैं, सैकड़ों आंगनबाड़ी कर्मियों को चयन मुक्त किए जाने को लेकर विरोध जताया जा रहा है। अब एक समस्या तो समाधान नहीं हुआ, लेकिन अब दूसरी समस्या और खड़ी हो गई है। आपको बता दें बिहार की सेविका व सहायिका विगत 29 सितंबर से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल पर है, और इसी वजह से जो है लगातार प्रशासनिक काम जो हो रहे हैं बाधा हो रही है, उसमें बीएलओ का काम भी जो है बाधित हो रहा है। तो ऐसे में जो है जनपद स्तर पर अधिकारी लगातार जो है नोटिस जारी कर रहे हैं। सेविका सहायिकाओं की जो है हड़ताल से बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र ठप पड़ गए हैं। हड़ताली सेविका और बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि बिहार सरकार जो है दमनकारी नीति अपना रही है। तो इस तरीके से हालात है बिहार में भी, और आंगनबाड़ी कर्मियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। लेकिन अब एक और मुद्दा बन गया है कि जो भी कार्रवाई की गई उस कार्रवाई को वापस लिया जाए, इस तरीके की भी जो है आपको बता दें खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें बिहार सरकार दमनकारी नीतियों को अपनाते हुए कई सेविकाओं व सहायिकाओं को चयन मुक्त करने का आदेश पारित किया, उसको असंवैधानिक बताते हुए वापस लिए जाने की मांग की गई। लगातार बने रही कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखें।